Hello, my dear friends. My name is Sachin. I welcome you back to Muscle Masters. और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। और आजकल जो वीडियो बन रहे हैं ना, बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर बन रहे हैं। 3 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया, 9999689818, जो हमारी हेल्पलाइन नंबर है। हेल्पलाइन नंबर पर जब कॉल आता है तो पूछा जाता है कि स्पिन बाइक अवेलेबल है सेकंड हैंड। हमने बोला जी सेकंड हैंड तो सब कुछ अवेलेबल होता है, स्पिन बाइक भी अवेलेबल है सेकंड हैंड। तो स्पिन बाइक जो आपके पास सेकंड हैंड अवेलेबल है ना, उसका क्या प्राइस है? मैंने कहा उसका प्राइस है 22,000 रुपए सेकंड हैंड स्पिन बाइक है वो। तो बोलते 22,000 रुपए की सेकंड हैंड स्पिन बाइक, 16,500 रुपए की तो ब्रांड न्यू मिल रही है सर, 6,000 रुपए ऊपर सेकंड हैंड स्पिन बाइक के किस बात के? तो मैंने बोला सर वो एक्चुअली क्या इंपल्स की स्पिन बाइक है, और इंपल्स की स्पिन बाइक क्या है जो आप एक दो दिन के अंदर, बस एक वीडियो डालने वाला हूँ उस वीडियो के अंदर समझना कि इंपल्स की जो ये स्पिन बाइक है ना, इंपल्स ब्रांड है, इंपल्स की जो स्पिन बाइक है, बेसिकली इंपल्स की स्पिन बाइक क्या है और इंपल्स की स्पिन बाइक की कॉस्टिंग है सेकेंड हैंड की या नई की किस वजह से है, और व्हाट्स इंपल्स स्पिन बाइक इज ऑल अबाउट। ओके, सो आई एम हियर योर फ्रेंड सचिन कोहली, स्मॉल रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट इंपल्स। ओके, नाउ सबसे पहला जो इस बाइक को अगर आप देखोगे ना, ठीक है, गेस करके बताना कि ये बाइक कितने साल पुरानी है। सो मैं देता हूं आपको इसका जवाब, ये जो बाइक है ये बाइक 10 साल पुरानी बाइक है, इट इज अ 10 ईयर्स ओल्ड बाइक। ये बाइक मैंने खरीदी थी जालंधर से, 10 साल पुरानी बाइक हो गई है, और आज भी 10 साल पुरानी बाइक होने के बाद इसकी पाउडर कोटिंग देखिए, इसके सारे के सारे जितना भी आप कोट देख रहे हैं, सारा का सारा कोट, इसका इसके हैंडल्स, इसके खेचू, इसके मूवर्स, आज के टाइम पे भी जितनी ये सारी चीजें हैं, सारी की सारी चीजें बिल्कुल एब्सोल्यूट 100% ओरिजिनल है। अंदर चेन ओरिजिनल है, ये पैडल तक 10 साल पुराना पैडल है भाइयों, 10 साल पुराना पैडल भी देख लो, आज तक 10 साल पुराना पैडल भी कैसे घूम रहा है, यही ताकत है। तभी मैं बोलता हूँ नया चाइनीज प्रोडक्ट खरीद लो 16,000 का या 17,000 रुपए का सेकंड हैंड, यूएस प्रोडक्ट खरीद लो, यूएस प्रोडक्ट ही रहेगा, यूएस प्रोडक्ट की जो पावर है वो चाइनीज प्रोडक्ट किसी भी हालत में कभी भी नहीं, आपस में दोनों का मेल नहीं हो सकता। अगर मैं इसी स्पिन बाइक की बात करूं, स्पिन बाइक का मैं रिव्यू करूं, तो ये स्पिन बाइक जो है ना, ये 110 सेंटीमीटर लंबी होती है। कोई बाइक आज के टाइम पे 110 सेंटीमीटर लंबी नहीं है, चाहे जगुआर मॉडल ले लो, कोई मॉडल ले लो, 53 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, और जो इसकी हाइट है आज के टाइम पे वो 120 सेंटीमीटर है। जब इसकी सीट ऊपर जाती है तो ये 132 सेंटीमीटर तक इसकी सीट ऊपर जाती है, इतनी ऊंची तक इसकी सीट जाती है, दैट इज वन पार्ट। ठीक है, अब जो मेन फर्क है ना कि ये स्पिन बाइक 7,000 रुपए की नहीं और 22,000 रुपए की पुरानी क्यों है, और जो नई स्पिन बाइक सारी है जो हमको चाइनीज इंपोर्टर्स हैं वो 13,000, 14,000, 15,000, 16,000 रुपए में क्यों दे दे रहे हैं, जो मेन उसका कारण है ना, मेन कारण है उसका ये, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लाई व्हील, अगर आपको पता होगा। अब ये जो फ्लाई व्हील है ना, ये गारंटीड 100% इसका जो वेट है ये 100% 20 किलो का है। जितनी भी नई बाइक आ रही है ना, जो 16,000, 15,000, 14,000 रुपए की मिल रही है, जाइएगा चेक कीजिएगा, किसी का भी व्हील वेट 13 किलो से ऊपर निकल गया तो फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये स्पिन बाइक्स मेरे पास 5 पड़ी है, मैं 5 के 5 गिव अवे में फ्री में बांट दूंगा। 13 किलो मैक्सिमम, अगर अच्छी स्पिन बाइक ली गई है तो 16 किलो। हाउएवर गारंटेड स्पिन बाइक का जो स्पिन व्हील है वो है इसका 20 गेजेस। नाउ द सेकंड पॉइंट हियर इज, ये एक ऐसा मॉडल है, जो मॉडल ये हुआ, मैट्रिक्स हुआ, ये कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो चेन ऑपरेटेड मॉडल्स हैं। बेसिकली डबल साइडेड पैंडल तो हर किसी के अंदर होता है, ये चेन ऑपरेटेड मॉडल है। चेन ऑपरेटेड मॉडल से मेरा क्या मतलब है, अगर मैं इस बाइक को अभी ऐसे करके छोड़ दूं तो जितनी देर ये वीडियो चलता रहेगा ना, ये चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं, दैट इज द ब्यूटी। 10 साल पुरानी बाइक है, क्रैंक की और शाफ्ट की आवाज सुनो ना, इसके अंदर क्रैंक की आवाज है ना, इसके अंदर शाफ्ट की आवाज है। इस बाइक के अंदर जो मेन फीचर्स है ना, वो इसका ये वन पार्ट ब्रेक है। देखो वन पार्ट ब्रेक भी बाइक एक मिनट के अंदर बंद हो गई, 10 साल हो गए, विश्वास मानना एक बार भी रिपेयर के लिए ये बाइक अंदर नहीं गई है, ना मेरे रिफर्बिशमेंट सेंटर गई है, ना कहीं गई है, ब्रेक मारा वही के वही खत्म। दिस इज द ओनली बाइक इंपल्स जो ये बाइक बनाता है, दिस इज द ओनली बाइक विच इज हैविंग डुअल ब्रेकिंग सिस्टम। एक ब्रेक इसका यहाँ है,
एक ब्रेक इसका मेरी तरफ से है, ये दोनों तरफ से टायर को कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन जो बाकी की बाइक्स रहती है, जो चाइनीज मॉडल रहते हैं, उसके अंदर ऊपर एक छोटा सा शिफ्ट रहता है, आप इसको प्रेस कर दो, वो बाइक एब्सोल्युटली कंप्लीटली खत्म हो जाती है। टोटल अगर मैं इसकी बात करूं ना, टोटल ये बाइक ही 67 केजीज गारंटेड है, यानी इसका जो टोटल वजन है इट इज 67 केजीज, इट इज कंप्लीटली 67 केजीज। और इसके अंदर जो यूजर वेट है, यूजर वेट यानी कितने किलो का आदमी इसके ऊपर बैठ के वर्कआउट कर सकता है, इसके ऊपर बैठ के वर्कआउट कर सकता है 150 किलो का आदमी। हर बाइक के अंदर 150 किलो का आदमी बैठ के वर्कआउट कर सकता है। जो तुम मेरे को बोलते हो ना 16,000 की नहीं आ रही है, 15,000 की नहीं आ रही है, उस पर 150 किलो के आदमी को जरा थोड़े टाइम के लिए बिठाना, बिठा के वर्कआउट कराना, 4 महीने वो बाइक चल गई तो 5 बाइक मैंने गिव अवे फ्री के लिए रखी हुई है, ये 500 बाइक मैं फ्री में बांटूंगा। हर इम्पल्स की बाइक के अंदर जितने भी यूएस ब्रांड्स है, लाइफ फिटनेस, साइबेक्स, इम्पल्स, मैट्रिक्स, जितने भी यूएस ब्रांड्स है, आप एक छोटा सा स्टिकर अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो छोटा सा स्टिकर है ये सीरियल नंबर होता है। हर बाइक का सीरियल नंबर है, हर बाइक का बारकोड है, हर बाइक के सीरियल नंबर को, हर बाइक के बारकोड को अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा ये कौन से स्टेट पे कब कितने बजे कहाँ पे किन हाथों से प्रोड्यूस की हुई है, इसकी जो प्रोडक्शन है इसकी प्रोडक्शन कहाँ पर की गई है। सो गाइस देखिए, कंपेयर करो एप्पल को एप्पल के साथ, सेब को सेब के साथ, ऑरेंज को ऑरेंज के साथ, संतरे को संतरे के साथ, ठीक है, तरबूज और संतरा या तरबूज और नींबू कंपेयर नहीं हो सकता। मैं तरबूज बेच रहा था यहाँ पे, ओके, इंपल्स तरबूज बेचता है, मैं नहीं बेचता हूं, मेरी कंपनी नहीं है, मैं तो रीसेलर हूं। सो इट इज अ सेलिंग अ जायंट बाइक, अ ब्यूटीफुल बाइक जो आपके कभी भी परेशान नहीं करेगी। अभी उसको 13-14 हज़ार का छोटा बाइक के साथ मिलाओगे तो किसी भी हालत के अंदर कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। सो माय रिव्यू, इफ आई वांट टू गिव पॉइंट्स टू दिस बाइक, मैं इस बाइक को 10 में से 12 नंबर दूंगा। बिल्कुल भी पेड वीडियो नहीं है, 100% मत समझना किसी भी एंगल के अंदर, ना मैं इतना बड़ा हूं कि मेरे पास कोई पेड वीडियोस की रिक्वेस्ट आती है, मेरी बिल्कुल पर्सनल एक ये सजेशन है। अगर 10 में से बोलोगे तो मैं इसको 10 में से 12 नंबर दूंगा, पर अगर तुम मेरे को वो 16-17 हज़ार रुपए की बाइक बोलोगे तो मैं 10 में से 2 नंबर दे दूं तो भी बहुत है, खुद ही एक्सपीरियंस करके देख लो ना, वो 4 महीने के अंदर तितर बितर होकर खुल के बीत गई। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज सचिन कोहली, पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, सारे वीडियोस देखो, मसल मास्टर्स यूज एंड रिफर्बिश इक्विपमेंट्स, नाम तो सुना ही होगा। थैंक यू सो मच।